डीएसओ ने किया जलियांवाला बाग में हुए शहीदों को याद। जलियांवाला बाग में हुए नरसंहार के 100 वर्ष होने के उपलक्ष्य में ऑल इंडिया डीएसओ द्वारा जलियांवाला बाग के शहीदों को याद किया गया। आज ही के दिन जलियांवाला बाग में निर्दोष लोगों को गोलियां बरसाई गई थी, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग मारे गए थे। आज हम लोग जलियांवाला बाग जो नरसंहार हुआ उसका 100वां दिवस मना रहे हैं। दरअसल में ये प्रतीक है उस समय के शासक वर्ग की निरंकुशता का। उस समय भी शासक वर्ग ने जो अंग्रेज थे और जो गया कि किसी को भी बगैर गवाह सबूत के गिरफ्तार किया जा सकता है, यहाँ तक कि उसको गिरफ्तारी में सूचना देने वाले का नाम भी बताने का कोई हक नहीं है, किसी को भी मतलब गिरफ्तार कर सकते हैं। तो इसका विरोध पूरे देश भर में हुआ। उसी के विरोध स्वरूप जलियांवाला बाग में एक सभा रखी गई थी, तो उस दौरान जनरल ओडायर आए और उन्होंने हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। तो ऐसे निरंकुश कानून आज भी स्कूल कॉलेजों में लागू किए जा रहे हैं। हम देख रहे हैं शासकीय संस्थानों में परमानेंट 144 धारा उन्होंने लगा रखी है, कहीं आप विरोध नहीं कर सकते, अपनी बात को कह नहीं सकते। इस लोकतंत्र में छात्र अपनी बात को, अभी कमलनाथ सरकार ने भी बोला कि छात्र धरना प्रदर्शन कॉलेज कैंपस में नहीं करेंगे, माने वो पढ़ नहीं पाएंगे और उसका विरोध भी नहीं कर पाएंगे। तो इसको लेकर हम लोग ये मना रहे हैं ताकि लोगों का एक अवेयरनेस हो कि इस ढंग के काले कानून आज भी हमारे समाज में, हमारे इस लोकतंत्र में मौजूद है। तो इसको लेकर हम लोग ये कर रहे हैं।